घर पे तो मैं सोफे पे सो गई थी, पर यहाँ नहीं सोऊंगी। प्लीज मेक इट क्लियर इन मी। ओह रियली? इस कमरे में पहले मैं आया, बाद में तुम आई हो, तो सोफे पे मेरा मतलब बेड पे मैं सोऊंगा। हटो यहाँ से। अरे हटे मेरी जूती। अरे जूती क्या, तुम्हारी पूरी बॉडी को हटना पड़ेगा, ज्यादा जबरदस्ती की ना तो क्या कर लोगे तुम? क्या करोगे? पुलिस को बुलाओगे? बुलाऊंगा। जैसे लड़कियों के छेड़ने पे लड़का अंदर जा सकता है ना, वाइस वर्सा लड़की भी अंदर हो सकती है। भूलो मत तुम, याद रखना। ग्रेट आइडिया, बुला लो पुलिस को। मैं भी यहाँ पर बैठी हूँ, देखती हूँ किसको लेकर जाएगी। बताऊंगी कि ये आदमी है ना, ये इसने मुझे इतना परेशान किया है ना, इतना परेशान किया है। फिर देखते किसको लेकर जाएगी अंदर पुलिस, देखते हैं। बुलाओ पुलिस को, बुलाओ। सर मैं यशोधन पंड्या, मैंने आपको फोन किया था सर। उसने मेरी बहन को ऊपर 513 नंबर कमरे में रखा हुआ है सर। मेरी बहन की जान खतरे में, आप प्लीज उसे बचा लीजिए। मैंने आपको उस लड़के की फोटो भेजी है सर। आप चिंता मत कीजिए, उस लफंगे की तो खैर नहीं। सर बस एक रिक्वेस्ट, आप मेरी बहन को थोड़ी देर थाने में रख लेना सर। क्या पता उसका कोई गैंग मेंबर फिर से उस पर हमला कर दे। मेरे बाबा आप रेलवे स्टेशन पर, मैं उन्हें लेकर आता हूँ। चलो डरो मत मिस नताशा, पुलिस वक्त पर आ गई है। यही है वो आदमी जिसने आपको किडनैप किया है? अरे मैं यार एक नंबर का ना प्रैंकस्टर है। मुझे डराने के लिए नकली पुलिस भी बुला ली। डफर ने मेरा नाम भी बता दिया। ड्रामा में तो हम पंड्यास भी पीछे नहीं है। इंस्पेक्टर साहब, आपने तो बिल्कुल सही गैस किया है, यही है वो आदमी।